सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम पीएचपी सीरीज के इंटरव्यू पार्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि हाउ मैनी डुप्लीकेट्स की इन द एरे, ठीक है, मतलब विदाउट यूजिंग एनी इनबिल्ट फंक्शन। सिंपल हम फॉर ईच रूप से कर देंगे, तो सिंपल है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ये एरे दिया गया है, ठीक है, और इसमें हमको फाइंड करना है माई वर्ड, जो ये हम माई वर्ड है, ये आप देख रहे हो कितनी बार है, ऐसे आप देख रहे हो। लेकिन अगर आपको मेन मैक्सिमम 1000 वर्ड दे दिया जाए और आपको फाइंड करना हो, तो कैसे आप फाइंड करोगे? फॉर ईच चला लो या फॉर लूप चला लो, जैसा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो सिंपल सा हम फॉर ईच लूप से कर लेंगे इसे। तो हम फॉर ईच लूप स्टार्ट करते हैं, फॉर ईच, एंड यहाँ पे करेंगे स्ट्रिंग, जितने भी इस स्ट्रिंग में जितने भी एरे हैं हम एक वैल्यू में ले लेंगे, और यहाँ पर हम इटरेट कर लेंगे एक एक। अब इसमें से एक एक वर्ड हमारा इटरेट होगा, स्ट्रिंग जो एरे है हमारा, एक एक वर्ड इटरेट होगा वैल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक काउंट बना ही लिया है, इसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे, हमको पता चलेगा कि वर्ड कितनी बार आया है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाए, इफ डॉलर वैल इक्वल टू डॉलर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर देंगे डॉलर काउंट। आप समझ रहे हो कि ये जो हमारा फाइंड है, ये फाइंड जितनी बार इसमें आएगा, तो ये अगर इक्वल टू है तो इसके अंदर आएगा और काउंट को इंक्रीमेंट कर देगा, मतलब कि 0, 1, 2 जितनी बार आएगा ये इस कंडीशन के अंदर, अगर आएगा तो इंक्रीमेंट करेगा, नहीं तो सिंपल है, कुछ नहीं करेगा और बाहर निकल जाएगा। और यहाँ हम प्रिंट कर लेंगे काउंट, कितनी बार काउंट आया है। तो अभी देख रहे हो आप, 3 बार आया है काउंट। अब हम देखते हैं कि ये माई वर्ड कितनी बार आया है, ठीक है। अभी तो हमको पता नहीं ना, हमको हम काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं, 13 बार आया है, ठीक है। अगर आप काउंट करोगे तो आपको 13 बार मिल जाएगा, 1, ठीक है, देख रहे हो 13 बार आ गया, 13 सिलेक्शन, ठीक है, बता दिया। तो इस वीडियो में आप देखें कि एक एरे से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि वो कि कितनी बार रिपीट हुई है। इसी वीडियो में हम और एक देखेंगे एरे से रिलेटेड, कि हमको जितनी बार ये हमारा माई वर्ड मिले ना, वो हम किसी और वर्ड से रिप्लेस कर दें, एंड प्री डिफाइंड फंक्शन। तो सिंपल सा ये है, ठीक है। अब हम इसी में देखेंगे और रिप्लेस करना है किसी पार्टिकुलर वर्ड से, ठीक है। एरे बना लेते हैं डॉलर एरे इक्वल टू, ठीक है, बन गया, काम कर देते हैं एलिमेंट इतनी बार इटरेट होगा, ठीक है। अब हमको किस से रिप्लेस करना है और क्या रिप्लेस करना है, ठीक है, जिसको हमको रिप्लेस करना है इक्वल टू माई, ठीक। ये हमारा जो माई वर्ड है इसको रिप्लेस करना है, किससे करना है डॉलर वर्ड, ठीक है, ये करना है राम से, ठीक, सिंपल सा राम से। अब हम इसको पहली बात तो काउंट करेंगे कि इसमें कितने हैं, कितने एलिमेंट हैं, और उसको वहाँ तक इटरेट करना होगा, ठीक। आप चाहोगे तो सिंपल सा इससे भी कर सकते हो, लेकिन हम काउंट को यूज करके करेंगे, वो आसान मुझे दिख रहा है। तो फॉर लूप का चलाएंगे यहाँ, डॉलर आई इक्वल टू 0 एंड डॉलर आई इज़ लेस देन काउंट, यहाँ पे डॉलर एरे दे देंगे, ठीक, एंड यहाँ पे आई इंक्रीमेंट कर देंगे आई प्लस प्लस, ठीक। अब क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट हैं वहाँ तक का हमारा लूप चलेगा और आई को इंक्रीमेंट करता रहेगा बार बार, ठीक। इफ डॉलर एरे डॉलर आई इक्वल टू डॉलर आर पी, ठीक है, समझ रहे हो आप ये क्या कह रहे हैं हम लोग, कि जो हमारा ये एरे का एलिमेंट आ रहा है इसमें इंडेक्स फर्स्ट का, जब फर्स्ट वाला चला तो आ रहा है जो, वो इक्वल टू है इसके, ठीक है। तो वहाँ पे हमको क्या कर देना है, राम कर देना है। तो इसके लिए हम कर देंगे एरे उसी इंडेक्स पे आई डॉलर वर्ड, ठीक। अब क्या करेगा, जितनी बार ये लूप चलेगा, ठीक है, उस उतनी बार ये वर्ड की ये वर्ड हमारा जो राम है वो सिंपल इस उसी इंडेक्स पे रिप्लेस कर देगा जैसे ही मैच होगा। तो सिंपल हो गया हमारा काम ख़त्म, बिना हम रिप्लेस फंक्शन को यूज किए हम ये काम कर देंगे। तो यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट आर, और हमारा क्या था डॉलर एरे, ओके। तो हो गया, सिंपल हो गया, आप देखोगे आप यहाँ पे, ठीक है, अब देख रहे हो जितनी जहाँ पे भी आया था हमारा माई माई, वहाँ पे हमारा आर आर आ गया, राम राम आ गया, ठीक है, राम राम, ओके। अगर आपको ये काउंट करना है कि कितनी बार आया था माई वर्ड, तो इसी में कर सकते हो, तो डॉलर काउंट
इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जितनी बार आया ना काउंट को इंक्रीमेंट कर दो, अरे काउंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इको करोगे, इको वी आर इको डॉलर तो काउंट सेवन टाइम्स ये आया था। अगर आप ऐसे ही काउंट करोगे तो माइक कितनी बार आया है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, वही ये दिखा रहा है सेवन टाइम। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।